सो हेलो एनिमे फैंस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और गाइस आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही सारी एनिमे अपडेट्स है। जैसा कि गाइस आज हम बात करेंगे कार्टून नेटवर्क के न्यू शेड्यूल के बारे में। जी हाँ गाइस, कार्टून नेटवर्क ने अपना पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया है, और जो कि गाइस काफी बढ़िया शेड्यूल है। इसमें हमें रिपीट टेलीकास्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और यार सभी लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेक अप टू रियलिटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ और एनिमे अपडेट्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं डिटेक्टिव कोनन के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा डिटेक्टिव कोनन ईटीवी बाल भारत पे रन कर रहा है, और बहुत ही दिनों से हमें उसके कुछ न्यू एपिसोड भी नहीं मिले हैं। लेकिन गाइस अब वॉइस आर्टिस्ट ने खुद कन्फर्म कर दिया है। गाइस उन्होंने पोस्ट करके बताया है कि इसकी डबिंग फिर से चालू हो चुकी है, और बहुत ही जल्दी हमें इसके न्यू एपिसोड भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यार आप इस अपडेट के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं क्रंची रोल के बारे में। तो गाइस क्रंची रोल पे फाइनली ऑफिशियली वन पीस की वानो आर्क स्ट्रीम हो रही है, और गाइस जो कि इंडिया में ऑफिशियली पहली बार है। तो यार आप इसको देखकर भी मजे उठा सकते हो, और गाइस हो सकता है क्रंची रोल आगे जाके वन पीस की हिंदी डब भी इसमें एड कर दे, तो फिर तो गाइज और भी मजे आ जाएंगे। और गाइज लाइक जरूर कर देना यार इस अपडेट के लिए। और गाइज अब मुझे पता है बहुत ही बंदे लोग ये सोच रहे होंगे कि वन पीस तो क्रंची रोल पर आ गया, तो टीवी पर क्या आएगा। लेकिन गाइज इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि भाई मैंने आपको अपडेट दिया था कि वन पीस टीवी पर जरूर आएगा, और गाइज मैं अपडेट आपको बिल्कुल भी गलत नहीं दे सकता। तो गाइज वन पीस आपको ऑफिशियली नवम्बर में टीवी पर देखने के लिए जरूर से मिल जाएगा। और गाइज इसका भी ऑफिशियली चैनल तो कोई रिवील नहीं हुआ है, लेकिन गाइस थ्योरी और फैन बेसिस के हिसाब से पता लग रहा है कि हमें सोनी ए पर ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस होप करता हूँ वन पीस के हिंदी डब को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए गाइस अब फाइनली बात कर लेते हैं क्या ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 हमें कार्टून नेटवर्क पे देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस यार मुझे पता है जितने भी सभी ड्रैगन बॉल्स फैंस है वो कार्टून नेटवर्क से ये उम्मीद लगाए बैठे है कि कोई ना कोई ड्रैगन बॉल की न्यू सीरीज हमें जरूर से उस पे देखने के लिए मिलेगी। और गाइज ये एक हद तक सही भी है, लेकिन गाइज हो सकता है हमें ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 की जगह ड्रैगन बॉल जीटी की सीरीज उस पे देखने के लिए मिल जाए। जी हाँ गाइज काफी सारी लीक्स मिली है कि हमें बहुत ही जल्दी कार्टून नेटवर्क पे ड्रैगन बॉल जीटी की सीरीज देखने के लिए मिलेगी। और गाइज आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइज फाइनली बात कर लेते हैं क्रंची रोल को लेकर। जी हाँ गाइज, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि क्रंची रोल का खुद का एक टीवी चैनल आने वाला है, तो गाइस आप सबसे पहले ये पोस्ट देख लीजिए जो कि एक ऑफिशियल लीक है। और गाइस इसमें साफ साफ डिक्लेयर कराया जा रहा है कि क्रंची रोल का बहुत ही जल्दी एक न्यू टीवी चैनल आने वाला है, और ये ग्लोबली लॉन्च होगा, और इसके लिए एक मैनेजर भी ढूंढ रहे हैं। और यार जब ये आ जाएगा तो भाई हम क्रंची रोल को सारे हिंदी डब एनिमे देख पाएंगे, जैसे गाइस जुजुत्सु काइसन, टोक्यो रिवेंजर, और बहुत ही सारे न्यू एनिमे भी देख पाएंगे अपनी फेवरेट लैंग्वेज में। तो यार इस अपडेट के लिए आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइस अब फाइनली बात कर लेते हैं कार्टून नेटवर्क के न्यू शेड्यूल के बारे में। तो गाइस अब से हमें ड्रैगन बॉल जी का एक रिपीट टेलीकास्ट 11 बजे से लेके 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे देखने के लिए मिल जाएगी, और जो कि गाइस काफी बढ़िया बात है। और गाइस इतना ही नहीं, हमें माई हीरो अकेडमी 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में रात को देखने के लिए मिल जाएगी, और गाइस ये भी मंडे टू फ्राइडे ही है। तो गाइस आपको कार्टून नेटवर्क का न्यू शेड्यूल कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा, और ऐसी एनिमे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।